ਕਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਾ ਬਾਹਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾ ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੇਖਤੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ हेलो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम इटली के शहर ब्रेशिया में हैं और आपको दिखाते हैं सूरत हाल क्या है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं पाकिस्तान से भी इधर उधर से भी, सुना इटली में हालात बहुत ख़राब हैं, लॉकडाउन हो गया और लोग कॉल्स कर रहे हैं मैसेजेस कर रहे हैं, फैमिली भी फ्रेंड्स भी तो पूछ रहे हैं भाई क्या सिचुएशन है इटली में ना। तो अभी ब्रेशिया में हूँ मैं और दिखाते हैं आपको क्या सूरत हाल है यहाँ। हाँ जी, तो अभी हम बाहर आए हैं, आपको दिखाते हैं सिचुएशन, चैंत्रों की तरफ जा रहे हैं और दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। लंबर दिया पूरे में इस वक्त लॉकडाउन है, अगर आप विदाउट रीज़न बाहर निकलेंगे तो आपको जुर्माना हो सकता है, फ़ाइन हो सकता है। और बाकी ये कि कुछ ग्रॉसरी शॉप जो हैं वो खुली हैं और कुछ मार्केट, और आप काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हो और शॉपिंग करने, वो भी सिर्फ घर के सामान के लिए, अदरवाइज़ आप विदाउट रीज़न बाहर निकलोगे तो आपको जुर्माना होगा। तो कोरोना वायरस के टोटल जो केसेस हैं वो 21,000 से ज़्यादा हो गए हैं इटली में, और जो अभी मैं वेबसाइट देख रहा था इसकी, और जो टोटल डेथ्स हैं वो 1450 से 1500 के दरमियान टोटल डेथ्स हो चुकी हैं, और नए केसेज जो हैं वो 3,000 से 3,500 डेली बेसिस पर बढ़ रहे हैं, और ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त इटली में। और अल्लाह खैर कर, अभी हम चंद्रों की तरफ जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको कि चंद्रों में क्या सीन है, लोग बाहर निकले हुए हैं या नहीं। हाँ जी भाई, तो अगर बाहर निकलने पे जुर्माना है तो आप क्यों बाहर निकले हुए हैं भाई? मुझे बहुत सारे कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि इटली में क्या सूरत हाल है, तो मैंने कहा लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं। तो अभी है तो रिस्क ही, अगर पुलिस हमें रोक लेगी तो हमारे पास कोई रीज़न नहीं है बाहर निकलने की, ना ही हम कोई घर का सामान खाने पीने का लेने जा रहे हैं, ना ही कहीं ऑफिस। तो अगर पुलिस हमें रोक लेगी तो हो सकता है हमें जुर्माना हो, लेकिन हम लोगों को दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है इटली में भी। अभी हम ब्रेशिया चैंत्रो में हैं और यहाँ पे पूरा चैंत्रो खाली है, सिर्फ इक्का दुक्का बंदा गुजर रहा है कोई, और गवर्नमेंट की भी यही अनाउंसमेंट है कि आप घर में रहें, लॉकडाउन है, और विदाउट किसी सीरियस रीज़न आप बाहर नहीं निकल सकते। अदरवाइज़ आपने खाने का सामान अगर लेना है या आप काम पे जा रहे हैं अपनी जॉब पे, तो उसके अलावा आप बाहर नहीं निकल सकते। और बहुत सारी शॉप्स तो सारी तकरीबन बंद हैं, जो गारमेंट्स वगैरह और ज्वेलरी इधर उधर शॉप्स हैं ब्रेशिया में, ब्रेशिया की चंत्रों में, वो सारी बंद हैं, तकरीबन एक भी नहीं खुली, सिर्फ कुछ मार्केट्स जो हैं ग्रोसरी सामान की वो खुली हैं। तो आप बाहर निकलते हो, आपने मास्क नहीं पहना हुआ या आप विदाउट रीज़न निकले हो, तो आपको जुर्माना हो सकता है, फ़ाइन हो सकता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट है। तो हम फिर भी निकले हैं कि दिखाते हैं लोगों को क्या सिचुएशन है इटली में इस वक्त। हाँ जी, तो अभी ब्रेशिया के चैंत्रों में प्यासा विक्टोरिया के पास थे हम, और उधर पुलिस की दो गाड़ियाँ आई और हम वापस मुड़ गए उस तरफ से, क्योंकि हमने कहा इससे पहले कि वो हमें कहें कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ अपने घर, तो हमने कहा खुद ही चले जाते हैं, क्योंकि वो रोक रहे हैं और वो कह रहे हैं इकट्ठे नहीं फिरना, बंदों को कह रहे हैं कि घर जाओ अपने और एक साथ नहीं फिरना, 3-4 बंदे एक साथ नहीं फिर सकते, अलग अलग घूमना है और 1 मीटर का फासला होना चाहिए बंदे से। भाई कैमरा मैन, तू भी 1 मीटर थोड़ा परे हो मुझसे। तो अभी हम चैंत्रों के अंदर से जो पाम मार्केट है, जो घर का सामान लेने की एक मार्केट है, और इसके पास से गुजरे हैं, और वो कुछ मार्केट्स खुली हुई हैं, उनके बाहर भी लाइन लगी है, और उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप 1 मीटर के फासले पे खड़े हों तभी आप इंटर हो सकते हैं। और हमने उसकी उनकी वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि लोग बाहर खड़े हुए हैं मार्केट के, और हम उनकी वीडियो बनाएँ तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है, ऑकवर्ड लगता है, इसलिए हमने नहीं बनाया। वेख लो सारिया दुकाना सामभ के बंद ने, कोई दुकान नहीं खुली है सिवाय किसी मार्केट तो जित स्पेजे वाली मार्केट है बस, और कोई शायद नहीं खुली है। वेख लो बेशक सारिया दुकाना बंद ने भाई, अभी वाकई सिचुएशन बहुत खराब है। अभी पुलिसिया लुकाले वाले गुजरे हमारे पास से, और उन्होंने कहा क्या कर रहे हो बाहर, घर जाओ घर,
और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कितने मीटर का है, उन्होंने कहा 5 मीटर, 5 मीटर एक दूसरे से दूर होके चलो और घर जाओ वापस, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इससे पहले कि हमें कोई फाइन हो, जुर्माना हो, मोलता हो तो हम घर चलो। जी तनसीर भाई, पुलिस वाले की आख्या जे भाई, पुलिस वाले, पुलिस ये लोकल वाले अभी गाड़ी है, ये कहती है कुजफातेन 0 ए कुजफाते चिंक्वे में 3 डिस्टेंस। उन्होंने कहा भी डिस्टेंस जो है अपना एक दूसरे से 5 मीटर रखो और घर जाओ, यहाँ से तितर हो जो यहाँ पे क्या कर रहे हो। अभी हम घर जा रहे हैं इससे बेहतर के हमें फाइन हो, इससे पहले के फाइन हो, हमें जुर्माना हो, हम घर चलते हैं। भाई मास्क ऊपर करो ना भाई, मास्क ऊपर क्या करूँ, ये ऊपर क्या करूँ, ये मेरे मास्क के आगे ये लोहे का थोड़ा सा पीस लगा हुआ है और जब मैं ऊपर करता हूँ यहाँ पे नाक की हड्डी जो है ये दर्द करने लग पड़ती है और ये थोड़ा सा सूज भी गया, क्योंकि काम पे हर वक्त 8 घंटे मैंने यही पहने ही रखना होता है और इसके अलावा काम करने की इजाज़त नहीं होती मास्क की, और ये पहन के यहाँ से नाक की हड्डी जो है ये दर्द करने लग पड़ी है। तो अब काम के अलावा भी पहने रखे बंदा, ये बहुत ही इरीटेटिंग चीज़ है मेरे ख्याल से, मुझे बहुत इरीटेट करता है ये। हम स्टेशन के पास हैं और स्टेशन की ये सूरत हाल है, ट्रेन स्टेशन जो है मेन प्रेशिया का, उसमें ये सूरत हाल है कि हर दरवाज़ा जो चारों तरफ से उसके दरवाजे हैं, जो छोटी मोटी एंट्रेंस बनी होती है साइडों से, वो सारा बंद है और सिर्फ मेन दरवाज़ा खुला हुआ है। और मेन गेट पे भी पुलिस है और वो आपसे पूछते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और आपसे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। अगर आप विदाउट रीज़न के कहीं आ रहे हो या जा रहे हो स्टेशन में भी इंटर होकर, आप ट्रेन से कहीं आना है या जाना है, तो वो आपको कह रहे हैं अगर आपके पास कोई ख़ास रीज़न नहीं है तो वो आपको वापस भेज देते हैं। वो आपको कह रहे हैं भाई आप ट्रैवल नहीं कर सकते। लोमबर्दिया इस वक्त पूरा लॉकडाउन है, ना लोमबर्दिया में इंटर हो रहा है कोई बंदा, ना ही लोमबर्दिया से बाहर जाने दे रहे हैं ट्रेन पे। तो ये सूरत हाल है ट्रेन की वेटिंग इस वक्त, और सिचुएशन काफ़ी ख़राब है क्योंकि खाली रोड्स वगैरह देख के बंदे का वो दिल होता है परेशान थोड़ा सा कि यार ये क्या सूरत हाल बनी हुई है। तो अल्लाह करे कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो जाए जल्द अज जल्द, क्योंकि इटली में कुल जो केसेस हैं सारे मिला के वो 21,000 से प्लस हो गए हैं और जो कुल डेथ्स हैं इटली में वो हो गई हैं तकरीबन 1400-1500 के दरमियान डेथ्स हैं, और रिकवर भी हो रहे हैं लोग, लेकिन अल्लाह करे कि ये वायरस जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि अल्लाह करे ये सूरत हाल काबू में आ जाए और जो भी इसकी वजह से लॉस हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर बंदे को तकरीबन इससे लॉस हो रहा है, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेज स्कूल्स बंद हैं, हॉस्पिटल्स बंद हैं। हॉस्पिटल के आप ना अंदर जा सकते हो ना आप बाहर आ सकते हो, अगर हॉस्पिटल में तो आप ना बाहर आ सकते हो ना उसके अंदर जा सकते हो, और इनके जिनको कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं जो लोग, उनके लिए अलहदा ही जगह बनाई गई है जहाँ पर उनको रखा है। अल्लाह करे इस वायरस से हर किसी को निजात मिले, ना सिर्फ इटली को बल्कि पूरी दुनिया को, हर बशिंदे को, हर इंसान को इससे निजात मिले और ये वायरस ख़त्म हो, ताकि खौफ व हरास जो लोगों में फैला हुआ है और ये लॉकडाउन ख़त्म हो। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए।